कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यहां महिला कार्यकर्ताओं ने एक मारुति वैन को झाड़ुओं से पीटा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मारुति वैन में आग लगा दी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संसद के बाहर पीएम इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। समर्थकों ने कहा कि अमेरिका का जो दोस्त है वो देश का गद्दार है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अजरबैजान के बाकू के अंदर एक नाइट क्लब में धमाका हो गया। इस दौरान इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका गैस रिसाव की वजह से हुआ। दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक सांड ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल पर हमला कर दिया। सांड ने अपने सींग पर ट्रैफिक कांस्टेबल ज्ञान सिंह को उठाया और पटक दिया। इस हमले में ट्रैफिक कांस्टेबल ज्ञान सिंह घायल हो गए। ये घटना 31 मार्च की है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आ गया। बिहार के सुपौल के सदर अस्पताल में प्रसव पीड़ा के बीच महिला ने रिक्शे पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। आरोप है कि महिला को अटेंड करने की जगह A&M चाय पीती रही और इसी बीच बच्चे ने दम भी तोड़ दिया। इसके बाद परिजन रोने लगे। महाराष्ट्र के नागपुर और राज्य के कई जगहों पर आसमान में उल्का पिंड की बौछार देखी गई। रात में इसका नजारा देखने में बहुत अनोखा और शानदार लग रहा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार थाने में भीषण आग लगी है। इस आग में थाने में खड़े कई वाहन जलकर खाक हो गए। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर और बुलडोजर के डर से गैंगरेप के एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया। आरोपी अपने परिवार के साथ हाथ में तख्ती लेकर थाने में सरेंडर करता नजर आया। तीन लोगों के साथ बलात्कार किया और बहुत ज्यादा देर गए थे। हमारे घर से बुलडोजर किया था, इसलिए अपने परिवार के साथ यहाँ पे पत्थर। पंजाब में शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात पर हैं। वो 3 दिनों तक यहां रहेंगे। कल की तिरंगा यात्रा के बाद आज सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देव और उनकी पत्नी ने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।